You can start now. गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली, और मैं ये मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है और मैं ललपनिया से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोकारो झारखंड। और ये जो मेरे 90 डेज के मेंटरशिप प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित है उन सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और डीएक्सएन जो इतना अच्छा जो सिस्टम मुझे मिला है और हम सभी लोगों को मिला है, यानी डीएक्सएन को लाने वाले डीएक्सएन के फाउंडर दातो डॉक्टर इम्स योजिन सर को भी मेरी तरफ से भी थैंक है, और इंडिया में जिन्होंने लाया, जिनकी वजह से सिस्टम हमें मिली है, जिस सिस्टम के वजह से हम सभी लीडरों की पहचान हुई है, तो उनको लाने वाले हैं इंडिया के फाउंडर वसुपाल सर और रत्ना मैम, तो उनको भी मेरी तरफ से थैंक्स, क्योंकि आज रत्ना मैम सभी के लिए एक रोल मॉडल है, सभी महिलाओं के लिए। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो किचन तक सीमित थी, कुछ और नहीं कर पाती थी, लेकिन आज किचन की कुकर की सीटी से लेकर आज स्टेज में वो सीटी बजा रही है, और 240 कंट्री में वो सीटी बजाने का मौका मिल रहा है, और ये सब हुआ है सब रत्ना मैम की वजह से। और हमारे दिलों का ख्याल रखने वाले डॉक्टर एस रंजन कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो हम सभी के दिलों का ख्याल रखते हैं, बल्कि हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स का, पूरे बॉडी का ख्याल रखने वाले, जिन्होंने बताया कि हम कैसे फिट रह सकते हैं उसके बारे में, तो उनको भी मेरी तरफ से भी थैंक्स। और जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, ग्रेट मेंटर डायनेमिक कोरोना एम्बेसडर प्रवीण सालिंगकर सर को भी मेरी तरफ से भी थैंक यू। और थैंक यू मैं उनको बोलना चाहती हूँ, मेरे ग्रेट अपलाइन पवन सर सा, जिनकी मार्गदर्शन से भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, और जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में जिन्होंने मुझे ये लाए हैं, मेरे अपलाइन मेहनाज अर्शी, उनको भी थैंक्स। और थैंक यू जितने भी 90 डेज के मेंटरशिप प्रोग्राम में उपस्थित हैं उन सभी को इसलिए भी थैंक यू, क्योंकि मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और उस सीखने के बाद मैं इसको इम्प्रूवमेंट भी कर रही हूँ। और रह गई बात जो हमारे डायनेमिक लीडर हैं प्रवीण सर को, तो जितना भी उनके बारे में बताऊं कम है, क्योंकि हम लोग आईने में क्या देखते हैं, हमारे अंदर जो कमी है वो दिखती है, तो जो हमारे जो मेंटर है प्रवीण सर, वो आईने की तरह है, आईने की तरह इसलिए भी है क्योंकि हमारे अंदर जो कमी है वो दूर कर रहे हैं, चाहे वो आज से पहले 90 डेज से पहले जो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग थी, या जब मैं फील्ड में जाती थी तो महिलाओं की एक समस्या है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, उन समस्याओं से उन्हें कैसे समझाना है कि पैसे किसी के पास होते नहीं है, उसे अरेंज करना पड़ता है, लोगों के जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो नेगेटिव सोच है, थिंकिंग है, उनको बदलने का मुझे मौका मिल रहा है, और ये सब मैं कर सकती हूँ, ये सब जिनके वजह से हो रहा है वो है प्रवीण सालुंके सर, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। और भी फील्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिंग हैंडलिंग का सामना जो मैं कर रही थी, मैं वहां पे लोगों की बात सुनती थी और वहां से वो रिटर्न आ जाते थे, लेकिन अब मैं वहां से फेस टू फेस बातें कर रही हूँ, लोगों को अच्छी तरह से पहले से अच्छा प्रमोट कर पा रही हूँ, लोगों को समझा पा रही हूँ इस चीज के बारे में। और जो बुक सर की जो बुक है नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी बहुत अच्छी है, और स्वास्थ्य क्रांति की बुक, जिस तरह स्वास्थ्य क्रांति की ये बुक मुझे मिली है, तो मैं हर एक घर तक जाऊंगी और इस चीज को बताऊंगी, और ये जो स्वास्थ्य क्रांति है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, तो इस वेलनेस के बारे में मैं लोगों को बता रही हूँ, और जो भी कमी हो रही है उनको मैं धीरे धीरे दूर कर रही हूँ, और साथ में जो मेरी सोच है कि मैं अपनी सोच को बदल रही हूँ, उसी तरह मुझे मौका मिला है कि समाज में जितने लोग भी हैं उनको उनकी सोच को मैं बदल पाऊं, और एक महिलाओं को, कुछ जो महिलाओं जो घर तक सीमित थी उनको मैं बाहर लेकर आऊं, एक प्रेरणा स्रोत बनूं, मॉडल बनूं। थैंक यू, और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे क्लोज करती हूं। थैंक यू सर।
वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त सगुप्ता मैम, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग क्लैप करिए प्रवीण सगुप्ता मैम के लिए, झारखंड से बिलोंग करती है और यू आर द रियली परफेक्ट वेलकम होस्ट नाउ। आपका आज तो प्रैक्टिस भी हो गया, यस सर नो? यस सर। और मेरी आपके साथ बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें स्टेज पर। अभी आने वाले संडे को आपका प्रोग्राम होने जा रहा है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और पूरा आग लगा देना है, फायर होना है आपको पूरा स्टेज से, पूरा एनर्जी के जैसे आज बात किया वही एनर्जी को आपको स्टेज पे आ जाओगे, जब सामने हजारों लोग बैठते हैं ना तो वो एनर्जी और बढ़ता है, तो आज आवाज भी आपका थोड़ा और पावरफुल बन जाएगा। यस, मुझे पता है। तो चलिए जबरदस्त, चलिए आप सभी को आज के लाइव मेंटर क्लास में हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ आज सभी को मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। कितने लोग एक्साइटेड है जल्दी बताना है, जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड। चलिए आज का टॉपिक, अगर आप किसी को आज का लिंक जो मैंने शेयर किया था अगर आप किसी को शेयर भी करना चाहते तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। वैसे भी हम एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम भी जल्दी करेंगे, जल्दी हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होगा नया मेंटरशिप बैच को लेकर, लेकिन फिर भी आज का प्रोग्राम को अगर आप किसी को शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड, मेरी आवाज और मेरा साउंड, मेरा विजिबल सब कुछ क्लियर है, बताना है आपको एक बार से, सबको बताना है एक बार, बराबर से है, साउंड क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा, जो भी अब तक हमने आखिरी क्लास तक आ चुके हैं और आज के बाद आपको एक पावरफुल कमांडो बनकर उतरना है मार्केट में, कितना लोग रेडी है बताओ मुझे। यस, कुछ रिवीजन भी बताऊंगा आज मैं आपको, डायरी लेकर बैठना है 90 डेज का मेंटरशिप का, आपका डायरी लेकर बैठना है, जल्दी बताना। यस, कितना लोग रेडी है एक पावरफुल इंसान बनकर आगे बढ़ना है, पावरफुल इंसान। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आपने जो पूरा 3 महीना जो एक रिश्ता था हमारा, पावरफुल रिश्ता था ना, कैसा लगा जल्दी बताना चैट बॉक्स में भी। तो जो भी हमारा एक रिश्ता था उसको आपने कुछ सीखा, कुछ अपडेट किया, कुछ वैल्यू ऐड हो गया, आपने कुछ जिसको प्रॉपर तरीके से जो भी आपने लर्निंग लेसन लिए उसको लेकर अभी मार्केट में छा जाना है। अभी अपने आपको कभी सीनियर का बात सोचना नहीं है, जिम्मेदार लेना, लिखो आई एम रिस्पॉन्सिबल, लिखो आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई लाइफ, लिखो लिखो सब लोग लिखेंगे आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई लाइफ। देखिए, मेंटोर गाइड करता है, कोचिंग करता है, आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन आपकी उंगली भी पकड़कर आपको शुरुआत करके दे सकता है, लेकिन आपको चलना खुद ही है, चलना तो खुद ही है, यस आर नो? तो सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ना है। यस, फंटास्टिक, आई एम रिस्पॉन्सिबल माई लाइफ, कोई और नहीं होता सर, इसे रियली अपने खुद के लिए हमें सोचकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पावरफुल मैं आज आपको सभी को कहना चाहता हूँ, अभी आपका 90 डेज का डायरी कितने लोगों ने नोटबुक बाहर निकाल के रखा है, 90 वर्ड लिखिए सिर्फ, मेरे पास अभी 90 डेज का डायरी है। फिर से कहना चाहूंगा, जब भी हम कभी आपको मिलेंगे, कर्नाटका जा रहा हूँ अभी 2 दिन के बाद, कल ही मेरा यहाँ से मैं निकल रहा हूँ कर्नाटक के लिए हुबली में, एक रिकॉग्निशन थे और साथ ही साथ 2 दिन का एक बढ़िया वर्कशॉप ट्रेनिंग भी होने जा रहा है, तो उस एरिया के अगर कुछ होंगे टोटल कर्नाटका स्टेट को लेकर, तो आप वहां पर लोगों को जरूर वहां के प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करिए, बात करिए और उनको वहां पर भेज दीजिए। जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट वहां पर भेज भी रहे हो तो आप बता सकते हैं कि सर मुझे सगुप्ता मैम ने भेजा था, मुझे विपिन जी ने भेजा था, मुझे अर्चना मैम ने बताया था, ऐसा मुझसे मिलने के लिए भी आप भेज सकते हैं। तो वहां पर 3 दिन मैं कर्नाटक में रहूंगा, तो जब भी मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ आपके सामने आ जाऊं, तो मैं चाहता हूं क्या 90 डेज का डायरी लेकर जरूर आना। कितने लोग एग्री मानते हैं इसको? यस, मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो 90 डेज के अंदर कितना मेहनत किया, कितनी तरीके से लिखा। यस यस, डॉक्टर मोहम्मद सर मैं दुबई भी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। यस, बहुत सारे लोग इनवाइट करे, तो दुबई में आने के बाद जब आपसे मुलाकात होगी रियली बहुत अच्छा लगेगा, वो दिन हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा, उस समय पे हम डायरी नोटबुक सब कुछ आपका देखना चाहेंगे, चाहे तो आप एक अच्छे से ऑटोग्राफ जरूर लेना वहां पर, एक अच्छे से साइन मेरी ले लेना उसके ऊपर, और बढ़िया से स्टार्टअप करना दोस्तों। यस, फंटास्टिक, एक पावरफुल फोटोग्राफ के साथ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने 90 डेज का डायरी के अंदर आपको लिखना है हमने क्या क्या सीखा, डेट वाइज बताऊंगा, तो सभी लोग बताइए सर, सभी लोग लिखेंगे, तो शुरुआत करेंगे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सिलेबस था हमारा टोटली 90 डेज के अंदर, और इसको थोड़ा रिविजन करना है,
और एक वर्ड के साथ उसको कनेक्ट हो जाना चाहिए पूरा प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है? बोलो यस। एक वर्ड तो आपको पूरा प्रोग्राम याद आना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार इसको सुनना, मैंने बोला था जिसने इसके ऊपर काम किया था उसको बराबर से सारी बातें याद है। एक वर्ड बोलूंगा वो टेक्निक भी आपको याद आ जाएगा, ऐसा नो? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी डायरी में लिखना है 5 सितंबर को हमारा मेंटरशिप क्लास शुरू हुआ था और हमने पहले ही प्रोग्राम सीखा था माइंडसेट बिल्डिंग। जब तक हम मानसिकता विकास पर काम नहीं करते हम कौशल्य विकास कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटली वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, मेंटली कमजोर बहुत ज्यादा होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इतना कमजोर हो जाता है कि खुद को ही लोग फेल्यूर मानने लगते हैं। इसकी वजह से आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक माइंडसेट बिल्डिंग प्रोग्राम किया था। तो माइंडसेट बिल्डिंग प्रोग्राम लिखना है, माइंडसेट बिल्डिंग। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों का जीवन कहां से कहां जा सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है। जैसे कि एक डायरेक्ट सेलर आने वाले फ्यूचर में अपना खुद का प्राइवेट जेट भी ले सकते हैं, अपना खुद का हेलीपैड भी ले सकते हैं। कितने लोगों को याद आ रहा है वो सेशन? यस, माइंडसेट बिल्डिंग था हमारा पहला सेशन 5 सितंबर। 7 सितंबर को हमने शुरुआत की थी। दूसरा सेशन था लाइव क्लास के अंदर और वो था गेटिंग स्टार्टेड राइट। मतलब क्या है? किसी भी चीज की अगर सही शुरुआत हो जाती है तो उसका एंड भी बहुत अच्छा होता है, मतलब उसकी सफलता की गारंटी लेकर आता है। सक्सेस का गारंटी तभी मिल सकता है ना जब शुरुआत सही हो जाती है। शुरुआत ही गलत हो जाती है तो सब गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने माइंडसेट बिल्डिंग के बाद आपका माइंड को टटोलने के लिए, आपके माइंड के ऊपर काम करने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से चार्ज करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था कि सफलता की ओर सही शुरुआत, इसको बोलते गेटिंग स्टार्टेड राइट। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो भी बात आप सोच रहे हो, जो भी मन के अंदर रख रहे हो, उसको प्रॉपर आपको पिक्चराइज करना है, विजुअलाइजेशन का पावर का इस्तेमाल करना है और उसको डेट और गोल के साथ इसको विजनरी बनकर इसके ऊपर एक्शन प्लान विथ रिकॉर्ड एंड मॉनिटर। इसके साथ 90 डेज का या आपका जो भी 3 महीने का या 6 महीने का या 7 महीने का 1 साल का गोल होगा ना उसके ऊपर काम करना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? बोलो यस यस यस। ये प्रोग्राम हुआ था हमारा दूसरा, सही शुरुआत। तो इसको भूलना नहीं है आज के बाद, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, रिविजन कर रहा हूं अभी। ये 90 डेज का क्या क्या हमने सीखा था और इसको आपको याद रखना है। अब इसने अगर आपने कहीं ना कहीं पे इसको छोड़ा था तो उसको आपको क्या करना है, वो काम फिर से करवाना चाहिए। मान लीजिए किसी ने अभी तक ड्रीम फाइल ही नहीं बनाया तो वो मुझसे गलती नहीं कर रहे, मतलब वो बोलेंगे प्रवीण सर को क्या पता है, मैंने तो नहीं बनाया ड्रीम फाइल। तो मुझे बताइए, वो मैं मतलब आपने मुझसे नहीं छुपाया, अपनी लाइफ में सक्सेस से छुपा रहे हो सारी चीज। कितने लोग मानते हैं एग्री, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते आप, ये सर नो, बट आपकी सक्सेस की रास्ते को आपने छुपा कर रखा है, आपने वो जो चाबी को है ना वो आपने फेंक दिया है हाथ से। बात समझ लीजिए, इसको करना जरूरी है। फिर लिखिए 12 सितंबर का हमारा प्रोग्राम था, 12 सितंबर थर्ड प्रोग्राम जो था के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं लिस्ट मेकिंग प्रोग्राम, कि पावरफुल लिस्ट कैसे बनाए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को कैसे इंप्रूव करे और प्रोस्पेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है हमारी लाइफ में। तो वो बात समझ में आ रही है? मैंने एक बात बोला था, आपका नाम अगर यहां पे कौन है, संजय कुमार नहीं है, आपका नाम राजकुमार नहीं है, आपका नाम परशुराम नहीं है, तो आपका नाम क्या है बताएं मुझे चैट बॉक्स में। जानना चाहूंगा कौन बताना चाहेगा चैट बॉक्स में, कि आपका नाम विवेक मिश्रा नहीं है तो आपका नाम क्या है, कौन बताएंगे? देखेंगे कितने लोगों को याद आ रहा है वो पॉइंट। मैंने बोला था एक लाइन से आपको कुछ याद आ जाएगा। तो आज के बाद ये इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करना। लिखो यार, लिखो सब लोग, क्या नाम है आपका? मैंने बोला था कितने लोग याद आ रहा है। यस यस यस, आपका नाम कुमारी अर्चना नहीं है। नहीं, गलती हो रहा है अभी भी। देखो याद करो, मैंने बोला था सामने अगर कोई इंसान आपको दिखता है तो उसका नाम नहीं पता होना चाहिए। मतलब क्या है उसका? वो नाम विपिन बलटूरिया नहीं है, वो नाम परशुराम जी नहीं है, वो क्या है? क्या बोला था मैंने एक लाइन? नहीं अशुकरण जी, वो भी नहीं, हाउसवाइफ नहीं है, कोई भी प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, क्या है वो? नहीं असेट, थोड़ा नजदीक चले विवेक मिश्रा जी, और थोड़ा जल्दी बताओ। 1 लाख रुपया, क्या बोला था मैंने? 1 लाख रुपया।
इतनों को याद आ रहा है आपका नाम, मतलब वो प्रॉस्पेक्ट का नाम को चेंज कर दीजिए। वो सोचना मेरे बाजू में 1,00,000 रुपया बैठा है, मैं क्यों चुप बैठू सर नो। अगर ये इंसान कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है तो इस इंसान की वजह से मेरे पास 1,00,000 रुपया आने वाला है, हर महीने का 10,000 आएगा तो 1,00,000 तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा ना यार। कितनों को वाव फील हो रहा है बताओ मुझे, बाजू में 1,00,000 रुपया रखा होगा और उसको बोला होगा कि आप उठा सकते हो, तो आप उठाएंगे कि वैसे ही निकल जाएंगे? चोरी नहीं है, अच्छा काम किया, बाजू में 1,00,000 रुपया इसको आप ले सकते हैं, तो कितने लोग लेना चाहेंगे? ये कोई पूछने की बात है? ये कोई पूछने की बात है नहीं ना। तो कोई भी आज के बाद प्रॉस्पेक्ट का नाम 1,00,000 रुपया रखना है और इसी दिमाग को सोच में रखकर मजबूत लिस्ट बनाना है, बढ़िया लिस्ट बनाना है। कितनों को बात समझ में आ रही है? आज रिवीजन में बता रहा हूं ये सारी बातें, छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी उसका सार बता रहा हूं आज। कभी कभी होता है ना पूरा ग्रंथ का एक सार बन जाता है, तो हमारा आज का बहुत पावरफुल टॉपिक है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ये लाइफ को चेंजिंग प्रोग्राम रहेगा आपके लिए, मैं पूरा सार आपको आज बता रहा हूं। रेडी है सब लोग? चलिए 14 सितंबर लिखिए दोस्तों। 14 सितंबर को हमने क्या देखा था? वो प्रोग्राम था रैपो बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर था, यानी तालमेल के निर्माण का शक्ति था। यानी क्या था? किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ पहला रिश्ता अच्छा बनना जरूरी है, किसी भी एसोसिएट आपका डाउनलाइन के साथ आपका रिश्ता बनना अच्छा जरूरी है। जब रिश्ता नहीं ठीक बन जाएगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, यह बिजनेस रिलेशनशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है, यह बिजनेस रिलेशन डेवलपमेंट का बिजनेस है, मानते इसको आप? तो हमने क्या सिखाया था आपको? रैपो बिल्डिंग कैसे करें, याद आ रहा है सबको? कैसे कैसे रैपो बिल्ड करने के लिए टेक्निक्स बताया जा चुका था, क्या करना था, कैसे बात करना था, कैसे हैंड्स आपका होना चाहिए, सामने वाला प्रोस्पेक्ट कैसे होता है, उसको कॉमनलिटी वर्ड ध्यान देखिए, कॉमनलिटी था, उसका कॉमन क्या था और आपका कॉमन क्या है, उसको मैच करना। हो सकता है अगर वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, जिस टोन में बात कर रहा है, उसी टोन में आपको जाना। वो अगर थोड़ा इमोशनल हो जाता है तो आपको भी इमोशनल होना जरूरी है। वो मम्मा की हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है और आप एनर्जेटिक बात करोगे तो वो रैपो बिल्ड नहीं होता। इसके लिए वहां पर भी आपका इनका टोन के साथ क्या होना पड़ेगा, इमोशनल टोन पे आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं आपका टोनैलिटी से लेकर, वॉइस टोन से लेकर, बॉडी लैंग्वेज भी। अगर सामने वाले ने ऐसा हाथ रखा है तो आप भी ऐसा हाथ रखकर उनके सामने बैठना चाहिए। सर नो, अगर सामने वाला ऐसा बैठा है पीछे तो आप भी ऐसा ही बैठना है। इसका मतलब क्या है? मुझे सब पता है ऐसा होता है, तो आप भी ऐसे ही बात करना है, ऐसे ही आपने भी अपना हाथ रखना है। इतना छोटा इंपॉर्टेंट बात है, कॉमनलिटी में रैपो बिल्ड हो जाता है वैल्यू। ये सर नो, बात समझ में आ रही है? रैपो बिल्डिंग। और फिर क्या था? एक सास अगर बहू का तारीफ करने लगे तो जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं होगा घर में। उसी तरीके से बहू अगर सास का तारीफ करने लगे तो झगड़ा नहीं होगा। तो मैंने एक बात बताया था आपको, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे आपको एप्रिसिएशन वाला टूल को इस्तेमाल करना है। कम से कम दिन में आप 50 एप्रिसिएशन के बहाने ढूंढ लो, जिसके लिए आप थैंक यू कह सकते हैं सामने वाले को, उसको कुछ ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। ये सर नो, बात समझ में आ रही? बताओ, आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर का टॉपिक, 26 सितंबर लिखिए। 26 सितंबर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था और वो डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, प्रोस्पेक्ट इज आवर रियल असेट। यानी क्या था? प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। कई सारे लोग बोलते हैं ना सर बात कैसे शुरू करें, कितनों को याद आ रहा है बताओ मुझे? वो टेक्निक हमने बताया था कि कैसे आपको बात करना शुरू करना चाहिए किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के सामने। डायरेक्टली आप दिखाओगे स्पिरुलिना, डायरेक्टली बताओगे गैनोडर्मा का चाय ले लो, तो आप बेचू इंसान मत बनना। याद आ रहा है वर्ड? बेचू इंसान मत बनना। क्या बोला था मैंने? सामने वाले को किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ या किसी ना किसी एक होप के साथ कनेक्शन डालिए। कनेक्शन डालने के लिए हमने सिखाया था, तो वहां पर था प्रोस्पेक्टिंग का स्किल। कौन सा स्किल सिखाया था हमने? प्रोस्पेक्टिंग का स्किल। और ये प्रोस्पेक्टिंग का स्किल हमारा दो पार्ट में हुआ था, तो पहला पार्ट था 26 सितंबर और दूसरा पार्ट हुआ था 28 सितंबर। 28 सितंबर में टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट भी था, मतलब एक हाउसवाइफ बैठी है तो उसको कैसे आप शुरुआत करना चाहिए, उससे कैसे बात करेंगे आप। तो जो अप्रोच सभी लोगों को चलता है वो अप्रोच हाउसवाइफ के सामने नहीं चलेगा। स्टूडेंट के सामने बैठे हैं, बाजू में स्टूडेंट आ चुका है तो उसको कौन सा अप्रोच देंगे? उसको वो हेल्थ वाला अप्रोच नहीं समझ में आ जाएगा, उसको कुछ अलग अप्रोच होना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए अप्रोच कौन सा था? अलग अलग। सीनियर सिटीजन के लिए मैंने कुछ एक उदाहरण बोला था, उसका स्टोरी बताया था आपको, मैंगो ट्री का स्टोरी बताया था। सर नो,
ये वो आम का आपको तो ना खाने को मिलेगा, लेकिन आपके बच्चे के बच्चों को, बच्चे के मतलब पोते के पोतों को भी खाने को मिल जाएगा। याद आ रहा है आपको ये बात? तो क्या मतलब था इसका? जब सीनियर सिटीजन को ऐसा एग्जाम्पल देते हैं तो उसका दिमाग का बत्ती जल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आज अगर मैं कुछ बीज लगाता हूं, मतलब लोगों को जोड़ देता हूं, कल वो बंदा 50, 100, 150 साल मेरा टीम के अंदर रहेगा, मतलब उसका टीम रहेगा, मेरा घर में पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा और आता ही रहेगा। वो था हमारा टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, कौन कौन कर सकता है, करना क्यों जरूरी है, और बात करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका कैसा लगा बताना है जल्दी से, आपने जल्दी से बताना है, फिर मैं आपको पूछने के लिए समय देने वाला हूँ, जल्दी से बताना है, फंटास्टिक लिखना है। वो क्या था, जहां पर आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, बात कैसे शुरू करना चाहिए, इसको आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा 4 सितंबर लिखी है, 4 सितंबर स्पीकर डेवलपमेंट लिखिए, स्पीकर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पे हमने कुशल वक्ता बनिए ये टॉपिक बताया था आपको, स्टेज फियर कैसे हटाना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप को कमजोर समझना ही नहीं है आज के बाद, तो आपको क्या करना है, कैसे स्टेज फियर आपका हट सकता है, और आपने अंदर से एक अच्छा वक्ता कैसे क्रिएट हो सकता है, कुशल वक्ता का क्वालिटी क्या क्या होता है, स्पीकर डेवलपमेंट ट्रेनिंग हुआ था। यस, आपको बताओ दोस्तों, सिर्फ स्पीकर डेवलपमेंट बनने के लिए कितने लोग एग्री मानते हैं, 20,000-20,000 रुपए चार्ज करते हैं मार्केट में, कितने लोग एग्री मानते हैं? हमारे पूना में तो 28,000-30,000 लिया जाता है, और दो भी दो या तीन दिन का प्रोग्राम के अंदर। सिर्फ क्या बोलते हैं, आप आ जाओ हमारे पास, हम आपको एक अच्छा कुशल वक्ता बनाने के लिए पूरा टेक्निक सिखाते हैं। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? यस बताओ, यस बताओ, यस बताओ, यस बताओ, यस बताओ, फंटास्टिक, यस यस यस। लेकिन आपको हमने हमारे इस पूरा मेंटरशिप का अंदर डेट कौन सा था, 4 सितंबर यानी 5 सितंबर, दो दिन अलग से चला था, ये भी टॉपिक बड़ा था ना, तो ये एक मॉड्यूल होता है, इसको बराबर से दो बार हमने कंटिन्यू करके स्पीकर डेवलपमेंट लिखी है। ये क्यों बता रहा हूं, ये क्यों बताया जा रहा है, आपको इसको याद रखना है कि हमने क्या सीखा, अब इसको हमें इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, तो आपको ये भूलना नहीं आपको लाइफ में कि मैंने कौन कौन सी बातों पे ज्यादा सा ध्यान दिया था, क्योंकि आपने पे किया था। ये सर नो, आपने कोई फ्री प्रोग्राम नहीं अटेंड किया था, 90 डेज का रिश्ता होता है, तो आपने पे किया था, तो हमने क्या सीखा था, क्या क्या टेक्निक सीखा था, वो सब आपको याद आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 17 सितंबर को हमने एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक बताया था, और वो था रिच माइंड ब्लूप्रिंट। मतलब क्या है, ऐसा क्या कारण है कि अमीर अमीर बनते हैं, गरीब गरीब बन जाते हैं? ये सर नो, उसको बोलते हैं रिच माइंडसेट। लिख सकते हैं आप रिच माइंडसेट। जब तक ये माइंडसेट रिच नहीं बनेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमने बराबर से वो टॉपिक वहां पे लेकर आए थे, रिच माइंड। मतलब क्या था उसमें, इनकम का कौन कौन सा टाइप होता है, और कौन सा इनकम आने वाले फ्यूचर में आपको एक मिलियनियर बिलियनियर करोड़पति इंसान बनाने की क्षमता रखता है, तो टाइप ऑफ इनकम, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, और फिर कौन सी इनकम आपको जल्दी से अमीर इंसान बनाने के लिए मदद कर सकती है, हाउ टू बी बिकम अ रिच, आप कैसे रिच बन सकते हैं। आपको मैं गुड न्यूज बताना चाहूंगा, बहुत जल्दी मेरी किताब लॉन्च होगी, कि लॉन्चिंग द एंटरप्रेन्योरशिप द रेसिपी ऑफ द बीइंग अ रिच। कैसा लग रहा है बताओ, ये टॉपिक सुनकर, ये लॉन्च होने वाली है, पहली किताब हमारी इंग्लिश में आ रही है। यस, कितने लोग वाओ मानते हैं, यस यस, ग्रेट ग्रेट मानते हैं, मतलब जो जो बातें मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो सारी बातें मैं किताब के साथ स्क्रिप्टिंग करते जा रहा हूँ, तो जल्दी से ये हमारा किताब, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बट हम ये इसको आपको बता रहे हैं, ये किताब आ रहेगी, कि एक अमीर इंसान अमीर क्यों बनते हैं, और एक स्टूडेंट एज से लेकर, हाउसवाइफ से लेकर, कोई भी इंसान अगर अमीर बनना चाहते हैं, तो उनको ये किताब जरूर पढ़वाना है। इसको बोलते हैं रेसिपी, रेसिपी ऑफ बीइंग रिच। वाओ, सो ग्रेट सर, फंटास्टिक, थैंक यू थैंक यू। सभी लोग लिखना, कैसा लिख आपको लिखना है सर, सिर्फ वाओ बोला तो वाओ नहीं, जैसे आपको जो अच्छा लगता है बात लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ इनकम सोर्स, कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, हमने बताया था मनी और इनकम सोर्स, इसमें क्या डिफरेंस था, याद आ रहा है? सभी तरीके का पैसा आपका इनकम का सोर्स नहीं है, बट जहां से इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है, वहां से आपका रिच माइंड स्टार्ट हो जाता है। मनी मतलब मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगलो, ये घर है, ये आपका पैसा है ही नहीं सर, ये आपका खत्म हो जाएगा, ये लाइबिलिटी बढ़ जाता है, बट सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, विच आर मेक्स यू मिलेनियर, 19 सितंबर लिखना, 19 सितंबर का हमारा प्रोग्राम कौन सा हुआ था, 19 सितंबर में हमने यहाँ पे हाथ रखना, यहाँ पे याद रखो इसको, ऐसा हाथ रखो सब लोग, अर्चना मैम यहाँ पे हाथ रखना है,
ढक्कन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सेंसरी पॉइंट होता है, जब भी कुछ याद नहीं आता है तो यहाँ पे हम कुजाते हैं सर नो, तो इसको ऐसा रब करना, ढक्कन निकालना पड़ेगा। और वो था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, ढक्कन निकालना पड़ेगा। और इसमें एक के बाद था पहला, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, लिखो नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फिर 24 अक्टूबर लिखिए, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसका इतिहास क्या है। लोग इसको MLM बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ चेन मार्केटिंग बोलते हैं, बट हिस्ट्री ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसका इतिहास क्या है। फिर 2 नवंबर को प्रोग्राम हुआ था, अच्छा उसके बीच में एक तारीख रहेगा मेरे से, 10 अक्टूबर सेलिंग स्किल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुआ था। सेलिंग स्किल मतलब आप हर एक व्यक्ति को एक स्किल डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है, कौशल्य विकास जिसे कहा जाता है, और वो है विक्री कौशल्य को अपनाना। कितने लोगों को याद आ रहा है, कितने लोगों को सीखा इसको अच्छी तरीके से, बताओ जल्दी मुझे। यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स, कितने लोगों को बात समझ में रही कि किसी भी बात की शुरुआत, किसी भी ऑब्जेक्शन की शुरुआत आपको ना ना से करनी ही नहीं है, पहले यस आपका बराबर है तुमसे सर, अगली बराबर है, ओ यस आपने बिल्कुल सही कहा, बात याद आ रही है सर, याद आ रही है, याद आ रही है, कितने लोगों को याद आ रहा है, प्रॉपर टॉपिक कंटेंट, नाम सुनने से भी याद आना चाहिए, इसको कहते हैं आपने अच्छा सीखा, आपने अच्छा ध्यान दिया, आपने पे अटेंशन किया, है ना। अगर हम पे करते तो हम अटेंशन भी पे करते, अगर फ्री रखते तो लोग उसको वैल्यू क्रिएट नहीं करते, ये सर नो। और सिर्फ सेलिंग स्किल भी आपके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये वर्थ रुपीज है सर, आपने जितना पे किया था उससे कई गुना ज्यादा था, कितने लोग एग्री मानते इसको। ये सेलिंग स्किल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने खुद ने 2010 में 35,000 रुपीज पे किया था सर, खुद ने, और वो भी इतना बड़ा ट्रेनर था इंडिया का, शिव खेड़ा जी का, और उनका पूरा निचोड़ बनाकर इसका एक हमारा मॉड्यूल बना दिए, इसको कहते हैं सेलिंग स्किल, यस, विक्री कौशल, विक्री कौशल्य, यस आर नो, यस आर नो, यस आर नो, यस आर नो, आगे बढ़ेंगे। यस, अभी आते हैं 19 अक्टूबर व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, 24 अक्टूबर हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 2 नवंबर इसमें डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए आपको, एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या था और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, सॉरी पोंजी स्कीम क्या है, स्कैम क्या होते हैं, फिर MLM जिसको कुछ लोग बोलते हैं ये मुर्गा लाओ मुर्गा, या फिर कुछ चेन मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग स्कैम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तू भी कर रहा है क्या, अच्छा ये MLM के जैसा तो नहीं है, इसके जैसा तो नहीं है, ये मेंबर बनाने का स्कीम तो नहीं है, तो आपको वहां पर एग्जैक्टली क्या आंसर करना है वो हमने सीखा था, पोंजी स्कीम को और डायरेक्ट सेलिंग को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल इंडस्ट्री है और इसके अंदर प्रोफेशनल बनने वाला ये पूरा चैप्टर आपके सामने, मैं आपको बता दूं तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो किताब है, आप सभी को याद रखना इस बात को कि पूरा ये डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये संभावना कैसे भी पता नहीं, जब मैंने वो सिलेबस देखा मैं खुद ताज्जुब रह गया, आई एम सरप्राइज यार, मैंने जो पहली किताब लिख के दे दी लोगों को और मैं अभी सिलेबस देख रहा हूँ एज इट इज, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस वही सिलेबस इस किताब के अंदर आ चुका है, तो कितने लोग फंटास्टिक मानते हैं इसको, यस यस यस, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त है। तो सभी को बताना चाहूंगा डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग में लोग कम से कम 1.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं, आपको ये 300 का किताब में ये सारा नॉलेज मिल जाएगा, 20 मिनट पढ़ना, यस 20 मिनट, कितने लोगों ने किताब को रीड करना शुरू किया या किया मुझे बताइए, जल्दी बताइए, कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, जल्दी बताओ, यस यस जल्दी बताओ, अगर कोई इस किताब को लेकर बात करना चाहते तो यहाँ पर हम उनका म्यूट ओपन करना चाहेंगे, अपना हैंड रेज करेंगे कि कुछ फायदा आपको हुआ, कुछ लोग अगर फीडबैक शेयर करना चाहते सर हाँ ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ये बेनिफिट बहुत अच्छा मिला, इसके अंदर ये बहुत अच्छा था, जो भी बात करना चाहते मैं कुछ 1 मिनट के लिए उनका वीडियो ऑन करना चाहूंगा। यस, आस्क टू अनम्यूट विवेक मिश्रा जी, मोतारी जिला नेपाल, बोलिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग विवेक जी, बताइए यहाँ पर उपस्थित हर पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग जी, और जी। आपने जो हमें यहाँ पर 2 मिनट बोलने के लिए इनके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस बुक से जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो बहुत सारे के लोग में जो निगेटिव मानसिकता है ना, इन मानसिकता को हम आसानी से दूर कर सकते हैं,
यहाँ से ए नेटवर्क मार्केटिंग, पोंजी स्कीम, मनी रोलिंग स्कीम और उसके साथ आने वाले दिन का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक भविष्य है, ये पूरा चीज एक बुक में क्लियर दिया हुआ है। और यहाँ से बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की मानसिकता को ऊंच बनाना और खुद को कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करता है सर ये बुक। मैंने अभी आधा किताब आधा से ज्यादा पढ़ा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। आपका बात में अभी वो जोश आ चुका है सर, अभी वो एनर्जी दिख रहा है मुझे आपकी बात में, जो पहले दिन आप ज्वाइन किए थे तब का और आपका एनर्जी अभी डिफरेंस लग रहा है सर। जी बहुत सर बहुत। अभी जिस तरीके से आपने बात किया बहुत बढ़िया बात किया, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच विवेक जी। अर्चना कुमारी जी आप अपना माइक ओपन करिए। कुमारी अर्चना मैम एक बेहतरीन सिंगर, यस बताइए मैडम, आप अपना म्यूट ओपन करके बात करिए। ओके सर। यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किताब नहीं है सर, ये एक तरह से भागवत गीता की तरह है हम लोगों के लिए, क्योंकि सोने से पहले मैं जब तक एक लेसन पढ़ ना लूं मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात इसमें लिखी हुई है कि अगर आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, मैं तो हाउसवाइफ थी, ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड कुछ में नहीं थी, लेकिन इसको किताब को पढ़ने के बाद मुझे मार्केटिंग का ज्ञान मिला कि अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग से, हमारी कंपनी से, हमारी इंडिया का इकोनॉमी अगर अच्छा कर सकते हैं, तो मैं उस चीज के लिए आज के बाद अपने इंडिया के लिए और अपने दे ओ अपने डीएक्शन के लिए तो कर ही रही हूँ लोगों के लिए। तो अगर मैं करियर वाइज लोगों को थॉट प्रोसेस को चेंज करना चालू करूँ, जैसे हम लोगों को प्रवीण सर ने किया है, तो मेरे पास ये किताब एक ग्रंथ के रूप में, भागवत गीता के रूप में है सर, जो मैं इसका ज्ञान सब लोगों के बीच जरूर बांट रही हूँ। और कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना ऊपर, इतना हाई हो गया है कि अब कहीं भी डिमोटिवेट होने का चांस ही नहीं है। किसी का बात मुझे उस स्तर तक नहीं लगता जिस स्तर तक आपने हमें सिखाया है। इसलिए सोच ही विचार ही आप हैं, और इस विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहिए कि हमारे पास इतने अच्छे मेंटर हैं, हमारे पास इतनी अच्छी कंपनी है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, फंटास्टिक मैम, फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त बात की आपने, फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त, यस थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। छेड़ी मंडल जी आप अपना म्यूट ओपन करिए सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत बधाई। देखिए एक अच्छा शायद आप मेंटर है और हम आपके बहुत भी फ्रेंड है और बहुत वीडियो भी देखते हैं। और साथ में देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैं कल ही खत्म किया, मैं डेली 20 मिनट इसका से लेकर के आधा घंटा तक मैं पढ़ता था और मेरा कल ये किताब जो इंड हो गया। जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं क्या देखा है इसमें लिखा हुआ है, जो कि वास्तविक यदि मेरा बिजनेस अगर डाउन भी हो जाएगा तो फिर भी मैं चूज करेगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आदमी को जिंदगी बदलता है। और ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है कि वास्तविक आने वाला भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का क्या है और कहाँ तक ला जा सकता है। सो मैं इतना कहते हुए इस किताब का बहुत, मैं जैसे मेरा एक रामायण होता है ना किताब, जो उससे ज्ञान नॉलेज होता है, मैं ये किताब पढ़ के अपना आपका बहुत बड़ा फीलिंग करता हूँ। बात करने का तरीका से लेकर सब कुछ चेंज हो रहा है, यस सर नो? जी जी बहुत कॉन्फिडेंस इसमें आया है कि वास्तविक अब हमको करना है तो डायरेक्ट सेलिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। वाह वाह जबरदस्त, बिल्कुल दोस्तों इतना आसान चीज आपके सामने है, अब इसका वैल्यू करना जरूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, लाख रुपए आपको 300 के अंदर मिल जाता है। तो जरूर आप सभी लोग अपने पास, अपने टीम के अंदर भी सभी लोगों को जरूर बताना चाहिए इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अच्छा शेयरिंग से अगर उनका लाइफ बदल जाता है तो आपका भी डेफिनेटली उनका एक अच्छा स्पीकर डेवलपमेंट हो जाएगा, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। अगर इसको अच्छे से पढ़ना, ये बताने का मेरा यही कारण है और यही मकसद है कि अगर आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अलग बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो खुद का एजुकेशन कभी रुकना नहीं है, इसे लाइफ लर्निंग प्रोसेस होता है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो
तो ये मोड जिसको बोलते हैं लर्निंग मोड पे रहना हमेशा, कौन सा मोड देखिए लिखिए, लर्निंग मोड पे जो रहते हैं वही वैल्यू बनाते हैं, वही करते हैं, वही इनकम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आपने लर्निंग मोड को बटन को बंद कर दिया, बोलना मोड मतलब गाड़ी का बटन होता है ना मोड, जैसे हम गाड़ी को स्पीड मोड पे डालते हैं तो वही आपका स्पीड मोड है। तो मैं चाहता हूं कि जरूर दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ना, और देखना चाहूंगा अगर कोई और एक बात करना चाहते तो आगे बढ़ते हैं, कोई हैंड रेस करके बताएंगे। मैं देख पा रहा हूं अगर जितने भी पढ़ा है वो तो जरूर हैंड रेस करके आगे आ जाएंगे। ये सर नो और समझ में आता है सर आपने रियल में इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल, थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन शब्दों के साथ इसने आपको आपको रियली बताया, आपने फीडबैक शेयर किया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, लिखिए आगे का टॉपिक हमने वहां तक आ चुके थे, हाँ 7 नवंबर तक पहुंच जाइए, अभी 7 नवंबर लिखना है आपको सभी ने, 7 नवंबर लिखिए, सब लोग लिखिए और वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन रखना है, वीडियो ऑन रखना है। 7 नवंबर को हमने एक टॉपिक लिया था और वो था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव को लेकर कुछ गारंटी होना जरूरी है, उसको क्या हमने बताया था, चेक लिस्ट, लिखो चेक लिस्ट सब लोग, वो चेक लिस्ट था, कितना पॉइंट था, कितने लोगों को याद है, वो देखते देखते कितने लोगों को याद है हमने चेक लिस्ट के अंदर कितना पॉइंट बताए थे, चेक लिस्ट, फंटास्टिक विमल कुमार जी, क्या बात है विमल कुमार जी, आप अपना म्यूट ओपन करेंगे सर, बहुत जबरदस्त सर, आपने तुरंत बता दिया आंसर इसको, क्या बात है विमल कुमार जी, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग जैक्सन सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के जितने भी पार्टिसिपेंट है उसको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसको हमारे इस जैक्सन फैमिली में और इतने 90 डेज मीटिंग से प्रोग्राम में लगातार और अपना समय अपना एफर्ट दे करके जो हमारे गुरु हमारे मेंटर प्रवीण सर के द्वारा जो सिखाए गए बताए गए बातों पर अमल करते हुए जो चलते आ रहे हैं सबको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी जितना हमने सीखा है और सीखते रहेंगे, जैसे सर ने भी बताया कि लर्निंग कभी नहीं छोड़ना है, लाइफ टाइम लर्निंग के लिए हमें तत्पर रहना है। और बस सर को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जहाँ सर का अपना जो सर की छत्र छाया में हम रहेंगे और इनका साथ रहेगा तो हम जग जीत सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, आपने रिपीट किया है, आपको वेलकम करना चाहता हूँ, बाकी सभी लोगों को कहना चाहेंगे विमल कुमार शाह जी रिपीट कर रहे, क्लैप करें उनके लिए सर सब लोग, और वो अकेले रिपीट नहीं कर रहे बल्कि अपने से बात कर वो बोल रहे कि सर इसको हम 90 डेज का जो नेक्स्ट बैच आ रहा है उसमें सभी लोगों को लेकर आएंगे जी सर, उनके सभी लोगों को, फंटास्टिक सर, जरूर सर, जरूर सर, यस बहुत जबरदस्त है, क्लैप करिए सब लोग। हमारा कोशिश ये रहेगा सर 31 दिसंबर से पहले हमारा जो अपना टीम का कुछ लोग अब तैयार हो रहे हैं उसको हम एनरोलमेंट के लिए सर से हमको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे सर। यस यस यस, बताइए सबको कि 2023 का सूरज आने से पहले आपको बुक करना है, नहीं तो फिर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको क्या किया, आपको जिसको बोलते हैं अर्ली बर्ड्स, इसको एक वर्ड आता है अर्ली बर्ड्स, नजदीक, जिसको तुरंत डिसीजन लेने वाले लोग, जो डिसीजन लेते हैं वही लोग तो सफल बन जाते हैं। देखेंगे करेंगे बाद में देखेंगे, प्रोकास्टिनेट करते हैं तो वो आने से भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने एक डेट अनाउंस किया है 31 से पहले अगर आप बुक करते हैं तो आपको इसका डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा, याद है सबको? यस, बाकी 31 के बाद 1 तारीख तो 4000 पे करके आना पड़ेगा सर आपको, लेकिन पहले आते हैं ओनली 3000 रुपीज से आपको स्टार्ट हो, 23 के पहले आपको ज्वाइन करना है। यस फंटास्टिक सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और रियली हम आगे बढ़ेंगे और भी पावरफुल तरीके से और आपकी टीम का सक्सेस का जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सीखना है और पावरफुल बनना है। यस सर, बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते, आगे लिखिए सब लोग, 9 नवंबर हमने देखा था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है और वो है कई सारे अलग अलग कारण होते हैं, और इसको मैंने एक वर्ड बताया था PMF, लिखो PMF, हर एक का PMF एक जैसा नहीं होगा, याद आ रहा है आपको, कितने लोग याद आ रहे हैं, जब प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं तो PMF का मैंने टेक्निक आपको बताया था, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, ये तो याद आ रहा है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, लिखिए लिखिए इसको याद करना तुरंत, तो PMF। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, उसमें हर एक का अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा, तो उसी तरीके से अप्रोच करना जरूरी है, ये समझना सामने वाले का PMF क्या है और तभी उसी तरीके से बात करते हैं तो वो कनेक्शन बढ़ जाता है और रैपो भी बिल्ड हो जाता है, कॉमनलिटी भी आ जाता है और उसकी भी जरूरत हो जाती है, आप कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपका सही जगह पे टाइम चला जाएगा,
तो वो आपका टाइम वैल्यू हो जाता है। यस सर नो, बात समझ में आ रही है? और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि एक पांच सर्वोच्च कारण, कितने कारण मैंने बताए थे, पांच सर्वोच्च कारण। मैं सर्वोच्च वर्ड क्यों डाला इसमें, जैसे अभी मैडम ने बोला, अर्चना मैडम ने, कि जब मैंने ये पूरा किताब को अच्छे से पढ़ा तब मुझे एक बात रियलाइज हो गया कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, इसको प्रोफेशनली ग्रो करते हैं, खुद भी सक्सेसफुल होते हैं, दुनिया को भी सक्सेसफुल बना देते हैं, तो हम अपने कहीं ना कहीं रूप में हमारे भारत नेशन की या अपने अपने कंट्री की, नेशन की हेल्प ही तो कर रहे हैं। इकोनॉमी बदल रही उनकी, पूरी तरीके से चेंज ला रहे, इसको बोलते हैं कई सारे कारण हमने बताए उसके अंदर, पांच सर्वोच्च कारण, जो कारण आज तक कई भी लोग आपको इसके बारे में बात नहीं करते थे, वो हमने इसी के अंदर आपको दिया था। कितनों को याद आ रहा है वो टॉपिक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये फंटास्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद 14 नवंबर लिखिए, 14th November, किस कैसा लगा था जल्दी बताना चैट बॉक्स में, टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम। यह आया था हमारा 14 नवंबर, टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाओ जबरदस्त था। इतने को याद आ रहा है? समय ही नहीं है तो अपने पास, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, आप ही खुद बोलना समय है कहां आपके पास। और मैंने कुछ टेक्निक आपको बताया था कि कैसे सामने वाला अगर आपको बोलता है कि समय नहीं है तो क्या काम करना है, याद आ रहा है टेक्निक? अगर कोई बोलता आपको कि मेरे पास समय नहीं है तो आपको क्या बात करना है और कौन सा डेमो सामने करना है, उनके सामने कुछ डेमो कर... यस, प्राइम टाइम लिखना है। फंटास्टिक, क्या बात है, शेड्यूल था, बहुत सारा है लिखना है सर, लिखना है क्या अच्छा लगा था वो टाइम मैनेजमेंट का कंटेंट के अंदर, वो याद रहा आपको। इसको कहते हैं आपका जिंदगी भर इंस्टॉल करके रखना, इसका टेक्निक मैंने बताया था आपको, एक थेरेपी मैंने बोला था, कितने को याद आ रही वो थेरी, क्या थेरी का नाम था वो, थेरी का नाम क्या था वो, टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक थेरी मैंने बताया था। अच्छा, रूटीन संडे, उनका रूटीन संडे टू संडे, थोड़ा आगे चले, जल्दी चले आगे। एक थेरी मैंने बताया था आपको, सिखाया था, और वो एक स्लाइड था उसके सामने, वो थेरी के अंदर कुछ था, क्या नाम था उस थेरी का, अरे क्या नाम था, भूल गए आप लोग, टू डू लिस्ट, ओके फंटास्टिक, थोड़ा अच्छा नजदीक आ चुके हैं मालूम मैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, टू डू लिस्ट बनाते हैं, यस। और क्या था, डॉट थ्योरी था, याद आ रहा है? और समय कितना अपने पास है, समय तो नहीं है, और फिर अपने समय की वैल्यू कैसे करें, और समय का व्यवस्थापन को लेकर टोटली कितना पॉइंट के ऊपर लेक्चर हुआ था, ये टोटल पॉइंट कितना था, समय व्यवस्थापन को लेकर, आपका टाइम मैनेजमेंट जो समय को व्यवस्थापित करता है वो अपने लाइफ को व्यवस्थापित कर सकता है, बिजनेस को व्यवस्थापित कर सकता है, अपने वेल्थ को व्यवस्थापित कर सकता है। यस, अभी विपिन जी लिखते हैं डॉट थ्योरी, फंटास्टिक विपिन जी, मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया था, टोटली पॉइंट कितना था याद आ रहा है आपको, समय का व्यवस्थापन को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ डॉट था, यस यस फंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फास्ट चलते हैं। 16 नवंबर को हमने देखा था, लोग सफल बनना चाहते हैं, सब लोग सफल बनना चाहते हैं, कई बार गलत कंपनी की चुनाव की वजह से असफल हो जाते हैं, एग्री मानते हैं ना आप लोग, ये कंपनी किया फिर बोलते वो कंपनी किया, फिर मैंने और एक कंपनी किया और छोड़ दिया इंडस्ट्री को, बट अब तक तो रियल डायरेक्ट सेलिंग किया ही नहीं था, इतना एग्री मानते इस वर्ड को, ये बता ना आप लोगों को जाके, वो बोलते हैं मेरा 10 साल का अनुभव था, अरे भैया कहाँ पे अनुभव किया वो पहले बताओ, सही जगह पर था कि गलत जगह पर था, मैंने इसको बोला था सही नंबर और रॉन्ग नंबर, यस आर नो, ई रॉन्ग नंबर है, याद आ रहा है, ई रॉन्ग नंबर है। तो ऐसा क्या कारण था कि एक सही कंपनी का चुनाव करने के बावजूद भी लोग असफल हो जाते, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, सवाल पूछूंगा और आगे बढ़ूंगा तुरंत, कितना पॉइंट बताया था हमने जहां पर वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, देखना चाहूंगा मैं चार्ट बॉक्स में, देखते किसकी तरफ ये रिवार्ड और रिवार्ड जाता है, चलिए अप्रिशिएशन किसकी तरफ बढ़ता है आगे, टोटल कितना पॉइंट गलत। फिर एक बार विमल कुमार शाह की तरफ हम अप्रिशिएशन करेंगे, 13 भी गलत है, 15 कुमारी अर्चना भी 15, अभी सब लोग लिखेंगे 15, बट पहले जिसने बोला दैट इज द विनर, तो दैट इज वेरी गुड विमल कुमार जी, आपने फिर से एक बार
समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आंसर किया है। तो रियली मैं आपके लिए यहाँ से सर क्लैप करता हूँ, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से उतार रहे अपने अंदर। तो हमने 15 थैंक यू सो मच फंटास्टिक सर 15 ऐसे पॉइंट थे पावरफुल पॉइंट जिसकी वजह से अगर अच्छी कंपनी मिले, आपको सही कंपनी मिल भी जाए और अच्छी कंपनी में हम काम भी कर रहे हैं तो भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसका भी नाम मैंने दिया था चेक लिस्ट। क्या आप ये गलती नहीं कर रहे हैं ना? क्या अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको असफल होने की जरूरत ही नहीं है, अब वैसे ही असफल हो जाओगे। एक एक पॉइंट उतना पावरफुल था, इसको कभी भी हमें नजरअंदाज करना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा 21 नवंबर लिखिए, तारीख लिखिए, 21 नवंबर को हमने ट्रेनिंग किया था लर्न फ्रॉम फेल्योर, असफलता से सीखे। ये भी हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर प्रोग्राम आता है। इसको क्या कहते हैं? लर्न फ्रॉम फेल्योर। अगर बार बार असफलता मिलती है, बार बार रिजेक्शन मिलते हैं, तो रिजेक्शन हैंडल करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। तो कई स्टोरीज के साथ, कई उदाहरण और कुछ पॉइंट्स के साथ हमने कनेक्ट किया था लर्न फ्रॉम फेल्योर। इसको क्या कहते हैं? जिंदगी में लोग, वर्ड ध्यान में रखना, जितना सक्सेस जर्नी से नहीं सीख सकते उससे कई गुना ज्यादा असफलता से सीखते हैं। वाओ मानते हैं इस बात को, फंटास्टिक मानते हैं, ये अच्छा लाइन बताया मैंने आपको। तो असफल होने का डर आज से दिमाग से जिंदगी भर के लिए हटा दीजिए। मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे मना कर देंगे, सर नो, ये डर को हटा दीजिए। इसी से तो सीख मिलती है, इसी से तो हम नया सीखते हैं, इसी से तो हम फिनिश होते हैं, इसी से फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर लिखिए। हाँ 23 नवंबर को क्या किया था? 23 नवंबर का डेट लिखिए, पर्सनल काउंसलिंग था, मतलब 1-to-1 काउंसलिंग, मतलब आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करिए, डायरेक्टली बात करिए, तो 1-to-1 काउंसलिंग होता है इसका मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो पर्सनल काउंसलिंग भी किया गया था 23 नवंबर। इसके बाद 28 नवंबर फिर एक बार पर्सनल काउंसलिंग सेशन हुआ था। उसके बाद 5 दिसंबर आ गया, SIMP मार्केटिंग प्लान को लेकर पावरफुल ट्रेनिंग। कौन सा पावरफुल पॉइंट था SIMP मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में? लिखना है, जो आपको हर एक नेटवर्कर को बताना चाहिए आज के बाद। बात समझ में, बोलो यस। हर एक नेटवर्कर को बताना चाहिए जाके, और सीना तान के बोलना चाहिए, छाती चोरी करके बात करनी चाहिए, एनर्जी के साथ कागज पेन लेकर बात करना चाहिए। वो कौन सा पॉइंट था? SIMP मार्केटिंग प्लान में भी है और हमारा IOC प्लान में भी है। तो पहले SIMP की बात कर सकते हैं। तो हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था वो पॉइंट, सामने वाले को क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज तक कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके का कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे DXN के अंदर है। इसके लिए तो एक क्लाप बनता है यार, उसके लिए तो जरूर एक पावरफुल अप्रिशिएशन बनता है। एक सिंगल लाइन, यस, नो कैपिंग, फंटास्टिक, सिंगल लाइन। अच्छा एक वर्ड था ना उसके अंदर, 10 out of 1, ये लिखिए, 10 out of 1 आपको कितना गुना पैसा दे सकता है। 10 out of 1 मान लीजिए 500 diamond बना दो, तो 500 diamond आपका टीम में अगर बन जाएगा, जिंदगी भर आपका लाइफ टाइम खत्म होने के बाद जब तक आपका सांस चला जाएगा, तो सोचिए आपके घर में कितना पैसा आ सकता है, सिर्फ आपका पत्नी या आपके हस्बैंड अगर सिर्फ 3000 पे करेंगे तो भी, या आपका बेटा 3000 पर्सल पे करेगा तो भी कितना पैसा आ सकता है आपके घर में। कितनों को वाव फील हो रहा है बताओ मुझे, वाव, ग्रेटफुल फील हो रहा है, बताओ जल्दी। 10 out of 1 क्या मतलब था इसका? 10 टाइप ऑफ इनकम के अंदर एक ही मजबूत मैंने बताया था, एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था उस दिन, याद आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं, 7 दिसंबर का टॉपिक था IOC का अंदर मार्केटिंग प्लान, जिसको हम जनवरी में लॉन्च करेंगे ऑल इंडिया में। कितने लोग रेडी है? फंटास्टिक, बोलना, जल्दी बताना है। 1 जनवरी के बाद का जो पहला वीक आ जाएगा उसमें मैं खुद ऑल इंडिया के ऊपर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ, वो होगा आइसिंग ऑन द केक, द डिफरेंस ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कंप्लीटली डिफरेंशिएशन। दुनिया में किसी के पास जो ताकत नहीं है वो आपके पास है। तो मतलब क्या है? अगर ब्रह्मास्त्र आपके पास है तो आपको उसका पता होना चाहिए और सही जगह पे चलाना चाहिए। बात समझ में आए तो बोलो यस। ब्रह्मास्त्र है
बट निकालते नहीं है। उसको सही जगह पे डाकना चाहिए कि नहीं डाकना चाहिए? एक बड़ा से बड़ा नेटवर्क का, टीम का ट्री, इसको बोलते हैं ना पूरा ट्री, आप शिफ्ट कर सकते हैं डीएक्सएन के अंदर ये ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, आईओसी। जरूर जरूर, फंटास्टिक। मतलब कौन सा लोग जो हाईली नेटवर्कर ही थे, जिनको हम बोलते हैं, जिनको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई सारी जगहों पर उन्होंने 5 साल 10 साल 15 साल काफी मेहनत किया, बट उनको किसी ना किसी लॉक की वजह से उतना सक्सेस नहीं मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव भी हो सकते हैं या फिर सही की पहचान के अंदर अभी भी पड़े हुए हैं, यानी सही कंपनी की तलाश में है लेकिन उनको अभी तक वो रास्ता नहीं मिला है। उनको आप उन्हीं बातों से कनेक्ट करना होगा, उसको मैं कहता हूं ब्रह्मास्त्र। बट हर बार नहीं चलता ना, मतलब क्या है, हर प्रोस्पेक्ट के सामने ये चलाना नहीं है आपको। कई जगहों पे आपको कंज्यूमर बनाना है, कई जगहों पे आपको एसएमपी का डिस्ट्रीब्यूटर बना देना है, लेकिन नेटवर्क कर वर्ड आ जाता है तो ये चलाना है। याद आ रहा है आपको? यह समझ में आ रहा है? बताओ, यू कैन अंडरस्टैंड? यू लिखिए, आगे बढ़ते हैं। और फिर लिखिए तारीख था 12 दिसंबर, मतलब परसों 12 दिसंबर का, और उसका अंदर था हमारा गेटिंग स्टार्टेड राइट, मतलब वर्कबुक, और क्या करना है, सपनों के ऊपर कैसे काम करना है और क्यों करना जरूरी है। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये सब कुछ जो मैंने आज तक बताया वो सब का सब खत्म हो जाएगा, आपका उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए आपको इसके ऊपर तुरंत काम करना है। उसके साथ हमने कनेक्ट किया था एक एक्शन प्लान, और फिर आपको बताया जा चुका था कि कैसे आपको एक एक्शन प्लान के साथ सपने को जोड़ देते हैं, तो आने वाले 3-6 महीने के अंदर आप अपने अपने अच्छी पावरफुल सक्सेस और टीम डेवलपमेंट को लेकर आ सकते हैं। बात समझ में? बोलो यस। और करेंगे? बोलो करेंगे यस। फंटास्टिक फंटास्टिक। चलिए दोस्तों, बहुत पावरफुल, ये हमारा अब तक का एक पावरफुल सेशन था, और आज हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, आपका फीडबैक भी मैं जानना चाहूंगा। आप कुछ हैंडरेज करके बात करना है, आपको कैसा लगा था ये पूरा 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम, कितने लोग रिपीट करना चाहेंगे? और मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, ये अमाउंट जो लिया गया आपसे, कितने लोग मानते हैं कि ये सर 30,000 का भी नॉलेज नहीं, सर इसी कई गुना ज्यादा का नॉलेज हमें मिला, जल्दी बताओ यस। कितने लोग मानते हैं सर 3 लाख का नॉलेज मिला होगा? ये 90 दिन का रिश्ता बहुत बड़ा है, आई थिंक, मुझे लगता है ये पहला ट्रेनर होगा आपके साथ जो 90 डेज का रिश्ता बना रहा है। बट कई सारे लोग होते हैं 7 दिन का 2 दिन का 3 दिन का एक वर्कशॉप कर टोटल कंटेंट खत्म करके खत्म हो जाता है। अब तक मैंने 25 कंटेंट आपको बताया, टोटल 24 कंटेंट, टोटल 24 कंटेंट। ओ माय गॉड, लिख सकते हैं सर एक एक कंटेंट सर 1 लाख रुपए का ताकत का था ये सर। नो, ओ माय गॉड, लिख, मैं नहीं बोल रहा, आपको बोलना है, कुछ भी पे नहीं किया था आपने, 3,000 रुपया सर कुछ भी नहीं, सर कुछ नहीं आता है आपका, 1 महीने का 1,000 पीवी स्लिप हो जाएगा, जिससे आपको 60 रुपया एक नए मेंबर को बोनस आ जाएगा, ये सर नो। बट एक लाइफ टाइम के लिए आपका एक सक्सेस का बहुत पावरफुल एजुकेशन हुआ, पावरफुल 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 लिख सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगा आपसे कुछ अभी बातें, आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, अब आप और आगे क्या करना चाहेंगे, कौन कौन रिपीट करना चाहेंगे वो भी बताना, क्योंकि रिपीट क्यों करना ये भी बता रहा हूं। अगर आप अकेले रिपीट कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ फिर से आप सीखने की तरफ ही जा रहे हो, सिर्फ नॉलेज नहीं, अकेले रिपीट करना है बट अपने साथ सीखते हुए रिजल्ट के लिए काम करना है, तो टीम का कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेकर मेंटरशिप के अंदर आना है। बात समझ में आया तो बोलो यस। फंटास्टिक। मान लीजिए आपने 6 लोगों को अपना फ्रंट का स्ट्रक्चर, अलग अलग 6 लाइन है ना आपका, तो हर एक लाइन से एक एक लीडर को चूज कर लिया, उनसे आपने अच्छे तरीके से रैपो बिल्ड करिए, उसको भी जिंदगी में सफल बनना है, वो भी सक्सेसफुल बनने के लिए पूरी मेहनत और एफोर्ट डाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जगह पे जाके लॉक हो जाते हैं लोग। तो ऐसे आपके 6 लोग अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बताओ आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 6 लाइन आपका मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने लोगों को खुद के ऊपर भरोसा आया है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, बताओ जल्दी मुझे यस। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को कि सर ये कुछ भी नहीं था अमाउंट, तो कुछ भी नहीं था ये 3,000 रुपए, तो कुछ भी नहीं था, कितने लोग एग्री मानते हैं सर? यस यस, बताओ बताओ सर। और सेल के साथ कभी भी हमें नफरत नहीं करना है, क्योंकि वी आर सेलिंग पर्सन, हम सब लोग कुछ ना कुछ हर दिन कंटिन्यूअसली सेल्स ही तो करते हैं, तो बोलना बिंदास सर इसका वैल्यू है सर, 3 लाख रुपए का नॉलेज प्रवीण सर हमारे लिए दे रहे, बोलना 90 डेज का प्रोग्राम है, ऐसा बोलना लोगों को। बात समझ में आ रही सर? आवाज में आपका एनर्जी होना चाहिए आज के बाद,
जैसे मैं बोलता हूँ ना, ज्ञानो डर्मा हाथ में लेते तो बोलना पड़ेगा आपको कि सर आपका घर का 1 करोड़ बचाने का ताकत रखता है ये ज्ञानो डर्मा, इतना एनर्जी होना चाहिए आपके अंदर। बात समझ में आ रही? बोलो यस यस यस। तो करोड़ों का ज्ञान होता है दोस्तों, ये एक बार नॉलेज लेते हैं जिंदगी भर के लिए प्लेटफॉर्म के लिए आपका सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नो। तो चलिए हैंडरेस करना है, हैंडरेस करना है, 1-2 लोगों का हैंडरेस मैंने अभी देखा था, जल्दी से हैंडरेस करना है। धर्मराज बिंद, आई अस्ट टू अनम्यूट यू। धर्मराज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी पार्टिसिपेंट लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। जो 90 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला सर, एक लोगों को बात करने का स्टाइल और कनेक्ट और कन्वेंस में जब रिश्ता आपका बहुत मजबूत रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त होगा सर। और अपने टीम के साथ मैं 10 लोगों के साथ में आ रहा हूँ सर। वेरी गुड सर, और आपको तो कमिटमेंट दिया है मैंने, वर्ड दे दिया, आपको याद है, मुझे याद है। यस यस सर। सर 100 लोगों का टीम बनाऊंगा, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका वर्कआउट, अभी से स्टार्ट हो रहा है बोलिए। यस यस, टीवी के साथ 100 लोगों का वर्कशॉप के लिए आपने मुझे बताया था सर, टाइम दीजिए, मैं जरूर रेडी हूँ इस बात के लिए, बिल्कुल से ताकत लगाना है सर। यस यस, बहुत फंटास्टिक सर, बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुल तरीके से आगे बढ़ना है। आप सोचना सर, अगर 100 पीपल अगर 5000 पीवी करते हैं तो कितना बड़ा ताकत आपने स्टार्ट करवा दिया है। यस जबरदस्त सर, ये बहुत जबरदस्त सर, 1 लाख इनकम तो 100 लोगों के अंदर ही छुपा हुआ है आपका सर। यस सीखना है। यस फंटास्टिक सर। ओके सर, बैच को लेकर अभी आपने जो भी आपका अंदर कुछ बदलाव आया, आपने कुछ बोला था ना कि कैसे आपका बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हुआ है, जानना चाहेंगे हम सब लोग। यस, हमारे बिजनेस सर जो पहले का पिछला 3 महीने पहले था जो बिजनेस है वो 50% था, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहा है सर। मतलब हर महीने में जो हमारा पीबी 50,000 पीबी जा रहा था, आज 1,80,000 पीबी कंटिन्यू जा रहा है सर। ओह माय गॉड, क्या बात है सर, आपका एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी इतना बड़ा होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी। रियली सर बहुत जबरदस्त, और थोड़ा 1 लाख की तरफ और आगे बढ़ो तो आप TSIP भी क्वालिफाई कर दोगे साहब। मैं तैयार हूँ सर, तैयारी कर रहा हूँ। फॉरेन टूर आपका सामने, एक फ्लाइट का पिक्चर लगा दीजिए, विमान एरोप्लेन घर में, विजन मैं विजन बोर्ड पे लगा दिया हूँ सर। वेरी गुड, तो देखिए अभी इसी रफ्तार से आगे बढ़ना है तो जिंदगी भर आपका हवाई जहाज बुक होना शुरू हो जाएगा। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बनना है। यस यस सर, फैंटास्टिक सर, और बहुत अच्छा लगा सर, बिल्कुल से आपने बहुत अच्छा फीडबैक शेयर किया है, बहुत बेहतरीन आपने बताया, और आप चाहते कि 10 लोगों के साथ आप रिपीट करना है तो जल्दी सर डिसीजन लेना है, फास्ट करना है इसको अभी हम, ठीक है। यस यस, ताकि सारा मुझे बहुत काम पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एनरोलमेंट, फिर उसका प्रॉपर ग्रुप बनाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड इसको प्रॉपर तरीके से आपका ऐप के अंदर डेवलपमेंट लाना है, फिर हम उनका प्रॉपर ऐप और वेबसाइट के अंदर। अच्छा, सभी को कहना चाहूंगा आपको ऐप और वेबसाइट के अंदर जो भी अपडेशन मिल रहा है वो कंटिन्यूअसली बने रहना, वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ऐप के अंदर आपका एक्सेस, वो आपको कभी भी बंद नहीं किया जाएगा, आप जब भी एक्सेस ओपन करोगे आपको कई सारी वीडियो वहां पर मिलना शुरू हो जाएंगे। यस, ये एक्सेस आपके लिए कंटिन्यूअस है, आप चाहे तो अपनी अपनी टीम को भी ये जरूर, उनको कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे देखना है, कैसे प्रोग्राम, मैं कुछ ऐसे मेन छोटे छोटे वॉय और छोटे छोटे वीडियो भी डालने वाला हूँ उसके अंदर, अभी नया नया स्टार्टअप कर रहा हूँ उसके अंदर, तो जितना जैसे समय मिलता है कुछ वीडियो ऐसे भी आ जाएंगे उसके अंदर कि जो वीडियो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम बन सकते हैं। तो रियली बहुत पावरफुल पॉइंट, जिसको मैं कहता हूँ एक पावरफुल 10 सक्सेस सीक्रेट, जिसको मैं करूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग DXN के अंदर के, ऐसा मैं ऐप के अंदर जल्दी से लेकर आना चाहता हूँ। तो आपको सभी को अपने अपने टीम के भी लोगों को बताना है, ऐप इंस्टॉल करवाना है सबका, सबको पता है ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं? धर्मराज सर आपको पता है ऐप के बारे में? यस यस सर, यस यस, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पर सभी लोगों को, देखिए ग्रुप में भी लिंक शेयर है, बट आपको पता है कोई भी लिंक शेयर कर सकते हैं, और मैंने वो सिखाया था आपको व्हाट्सएप में कैसे आपको एक बटन से ही आपको पूरा मैसेज रहता है, मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, सिर्फ एक बटन, मैं अभी देखो सितंबर बैच में आ गया व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बटन क्लिक करूंगा तो आपको पूरा मैसेज आ जाता है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, देखिए
सितंबर, उसी तरीके से आपको भी अपडेट करना है ये सारा चीज। यस जी जी, देखिए यहाँ पे भी मैं वो मैसेज छोड़ दिए, आ गया। यस यस, ये SAC7CA आपका कोड नंबर होता है, एक्सेस कोड नंबर। ये एक्सेस कोड नंबर के बाद ही आप इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर आपको कई सारे ट्रेनिंग्स वहां पे मिलना शुरू हो जाता है। जरूर जो एसोसिएट हो जाते हैं DXN के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए काफी पावरफुल मदद बनेगा ये। थैंक यू धर्मराज जी, रियली पावरफुल तरीके से आपने बताया, और जल्दी से एक पावरफुल और पावरफुल एक बैच के अंदर मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। बिल्कुल पावरफुल, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, रानू सरोज मैडम, रानू देवी, आपका नाम थोड़ा मुश्किल होता है, एक बार ट्राई करिए फिर से। आई अस्टो अनम्यूट, म्यूट ओपन करिए मैडम। क्या गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी और पूरे जितने भी DXN फैमिली जुड़े सभी को गुड मॉर्निंग तहल दिल से, क्योंकि आज क्लोजिंग का दिन है 14 तारीख को। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतने इतना अच्छा से आप सिखाए सर, और इतना अच्छा सीख मिली है, शायद वो अभी जो 3,000 की बातें कर रहे हैं 3,00,000 में भी नहीं मिल सकता जो नॉलेज मिला है आपसे सर। 3,00,000 का 30,00,000 तक ये नॉलेज नहीं मिल सकता जो आप ये 90 दिन के प्रोग्राम में आप सिखा रहे हैं, और हम लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में हम ही अकेले सीखकर आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक टीम को नहीं लाएंगे तब तक टीम ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए खुद हम जो आपके एक्सपीरियंस के द्वारा जो लोग सीखेंगे वो और अनुभव ज्यादा होगा, क्योंकि जो आप बताते हैं जिस पॉइंट पर आप बात करते हैं उस पॉइंट पे हम बात उस तरह से पूरी बात को नहीं बता पाएंगे अपनी टीम को। अगर उनको आपके इस मेंटरशिप में क्लास में लाएंगे तो सारी बातों को सुनेंगे, सारे चीज अपने सारे प्लान को देखेंगे जानेंगे, तब वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे बताने से पूरा हर चीज नहीं बता सकते, हर पॉइंट की बातें जो जो चीजें आज बताते हैं वो सारी चीजें नहीं बता पाएंगे, कुछ पॉइंट तो जरूरी छूट जाएगी टीम को बताने के लिए, इसलिए जरूर आपके प्रोग्राम में सर हम कुछ लोगों को लाएंगे जरूर। जरूर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत डिसीजन लेना तुरंत, अभी जल्दी से इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम भी करूंगा इसका। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम चाहिए तो मुझे आई लिखना चार्ट बॉक्स में, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम मतलब सभी लोगों के लिए ओपन टू ऑल, आप सबको इन्वाइट करके उनको बुला सकते हैं, और बोला नेक्स्ट बैच हम स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जिसको आप सभी लोगों के लिए ओपन हो जाता है और सबको आप इनवाइट कर सकते हैं। तो मैडम जल्दी से ज्यादा लोगों से बात करना है, एक्टिव और सिलेक्शन बेसिस पे लाना सबको, नहीं इंटरव्यू करना उनके साथ। यस सर, बदलना चाहते हो, सच में सीखना चाहते हो, 90 डेज का रिश्ता है तो आपको 90 दिन में कुछ 90 डेज का डायरी मेंटेन करना है, पॉइंट आउट सब लोग लिख कर आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल रानू मैम बहुत अच्छा लगा, उनसे रिश्ता कंटिन्यू निभाएंगे, और थैंक यू सर आपकी सक्सेस होने तक आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला सर मैं। यस सर हम भी नहीं छोड़ेंगे आप, आपको लगे रहना सर, हम तो लगे रहेंगे। बहुत थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अभी परशुराम जी पांडे जी यहाँ पर है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। परशुराम जी पांडे अपना म्यूट ओपन करिए। ऐसा क्या कारण है कि आप 3 बार रिपीट कर चुके हैं, आप सबको बताइए सर, ये आई थिंक 3rd बार रिपीट हो जाएगा आपका। परशुराम जी पांडे आप बताइए सब, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर गुड मॉर्निंग सर, मैं सर दुबई से बात कर रहा हूँ सर, दुबई से। फंटास्टिक सर, बताइए सभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर, कि आपने हर बार रिपीट किया है प्रोग्राम को, तो मेरी जी सर, जी जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना तरीके से आप ये क्यों रिपीट कर रहे हैं बार बार, अभी भी रिपीट किया आपने। जी सर, मैं सर ये चाहता हूँ कि ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी आगे आदमी नहीं बढ़ सकता है, इसलिए गुरु के अगर पास में रखकर हम ज्ञान को सीखते हैं, और ज्ञान से ही हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, कि हर पार्टिसिपेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, और ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ज्ञान के वजह से ही हम एक टीम बनाएंगे और टीम के अनुसार हम चल सकते हैं। और आपका जितना भी मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, क्योंकि आपका बुक भी है जो मैं डेली पढ़ता रहता हूँ, इस दिन नहीं पढ़ूंगा तो लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अर्ली मॉर्निंग सर 20 मिनट पढ़ते तो पूरा दिन का एनर्जी पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा आपका। जी सर और मैं लिखता भी रहता हूँ कि और क्योंकि पूरा याद भी करना है हमको, पूरा ये लेसन याद कर लेना। और जी सर, एक बार पढ़ने से आपको कुछ रियलाइज नहीं होता, 2 बार 3 बार पढ़ते तो और ज्यादा कुछ और एक अलग सार मिलता है उसके अंदर से।
जी सर, क्योंकि अभी मैं 10% पढ़ रहा हूँ, अभी हमको 100% करना है और मैं रिजाइन मार रहा हूँ अभी कंपनी, 100% करना है हमको। क्या बात है सर, अभी आप फिर से रिपीट करना चाहेंगे क्या, बताएं बताइए। मैं सोच रहा हूँ सर कि फरवरी से रिपीट करूंगा, मार्च में जनवरी का फर्स्ट वीक में हम डेट अनाउंस कर देंगे। अभी अनाउंस तो अभी हो जाएगा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में, जनवरी से शुरू हो जाएगा। बट मैं एक प्राइम रिक्वेस्ट आपको करता हूँ, मेरी खुद की रिक्वेस्ट आपके लिए, सफल बनना है ना तो खुद सफल नहीं बनना है, मैं अपने टीम को सफल बनाने के लिए कदम उठाने। जी सर, आपके साथ यहाँ पे एक निचोर कर रहे हैं पूरी तरीके से मेंटोरिंग को लेकर, तो आपको करना है। आपने तो बहुत बार रिपीट किया, अभी आपने अपने अपने टीम के लोगों को लेकर रिपीट करना है और वो बात करवा के लेना है जो काम मैं करवा रहा हूँ आपसे। आप तक आपको बताया तो आपको तो तुरंत, अभी आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ ये मैंने सुना था फिर क्यों, इससे अच्छा है कि अभी आप इसके अंदर मास्टरी करना। इसको कहते हैं ट्रेनर एक प्रोग्राम होता है, मतलब मैं बात करता हूँ वैसा आप बन जाते हैं। और उसके लिए होता है कि आप एक बेहतरीन स्पीकर भी बन जाओगे। सेकंड चीज, टीम का आप मेंटोरिंग अच्छी तरीके से करना है ताकि हम मिलकर टीम की पावरफुल तरीके से वो हैंड होल्डिंग कर पाए। बात समझ? जी 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 सर। तब आपका जॉब का छोड़ना, इसका रिजाइन कर देना वर्थ हो जाएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो जाएगा। हफ्ते का 2 दिन तो हम क्लास के अंदर आते हैं, यस और नो? जी जी यस यस। बाकी तो बहुत टाइम मिलता है कि सबको कि हम क्या करना है, जो जो हमने इफेक्टिव बताया था, जो आने वाले अगले सप्ताह से पहले इसको पूरा करना। बिल्कुल, और बैच के अंदर आपको देखना है बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी सर। थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी होता है जब कुछ लोग फीडबैक शेयर करते हैं, जैसे अभी रानू सर बोले कि सर ये 3 लाख रुपया देने पर भी जो नॉलेज नहीं मिलता वो नॉलेज सर आपने 90 डेज प्रोग्राम के अंदर दिया है। रियली मैं जो कहा सर मोबाइल में नेटवर्क, जी मोबाइल में नेटवर्क है तभी मोबाइल काम करता है, और हमारे जीवन में नेटवर्क नहीं है तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। पावरफुल एक एनर्जी के, एनर्जेटिक लोगों के साथ आप कौन से लोगों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं वहां से 100% सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। तो करता है पानी की बूंद, अगर वो हाथ पर गिर जाती है बारिश की तो हम पी सकते हैं, लेकिन वही गटर में चला जाएगा तो वो वहां पे पैर नहीं रख पाओ। अगर एक कमल के पुष्प पर आ जाती है तो वो क्या होती है, मोती के जैसा चमकती है, मोती जैसा चमकती है, दिखती मोती के जैसा है। लेकिन वही पानी की बूंद अगर एक ऑयस्टर के अंदर जाता है, शिंपला को समुन्द्र में होता है, उसके अंदर अगर वो बूंद रह जाती है तो उसका रियल में पर्ल बनता है, मोती बन जाता है। एसोसिएशन का डिफरेंस था, एसोसिएशन। जी सर, तो सर मैं चाहता हूँ 100% करने के लिए, 100% करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। श्योर श्योर सर, पूरी ताकत है, मैं साथ हूँ। अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना है और अपने कभी महसूस नहीं करना है। मैं जानता हूँ गुरु गुरु रहकर आदमी सफल हो सकता है। जी जी, बहुत बेहतरीन। और आप तो बहुत अच्छा वीडियो बना पाएंगे, आप एक फीडबैक वीडियो जरूर बनाना। मैं कुछ फीडबैक है ना हमारे वेबसाइट के अंदर और ऐप के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। जो अच्छा वीडियो फीडबैक होगा, मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं जानबूझकर हमारी वेबसाइट और ऐप के अंदर लेकर रखेंगे। तो वो वीडियो वो भी देखना, वो लाइफ टाइम के लिए वहां पे रह जाएगा ऐप के अंदर। मैं डेली का एक वीडियो बनाएगा सर, डेली का वीडियो बनाएगा, घर पे जाएगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त। अभी आप सभी को तो मोबाइल का तो डर खत्म हो गया होगा, कैमरा का? जी 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 सर, खत्म, अभी खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छेदी मंडल जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? आपका हैंड रेज दिखाई दे रहा है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डायरेक्शन, और जितने भी इसमें आज का जो मीटिंग उपस्थित हुए हैं, जितने पार्टिसिपेंट, सभी को मैं धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर मैं 90 डे प्रोग्राम में तो नहीं था, आज कितना 90 डे हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार नहीं था, लेकिन सच में आपको प्रोग्राम में जो देखा तो मेरा दिल भी करता है कि अब ये प्रोग्राम में मैं भी कुछ अटेंड करूं, है ना। और मेरा साथ साथ जो मेरा पार्टनर जो है जो इसमें शायद अटेंड करेगा, है ना। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे अटेंड करने से नहीं होगा, मेरा टीम जो यदि अटेंड करेगा, मेरा टीम सफल होगा तो हमको बहुत खुशी मिलेगा, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए सर मैं इसमें अटेंड होना चाहता हूँ और इसका ज्वाइनिंग करना भी चाहता हूँ सर।
जी, मैं अभी ग्रुप में आपको इसका गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर होता है, आप तो आई थिंक आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर मैं नेपाल से, जनकपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ तो आपको मैं अकाउंट डिटेल शेयर कर दूंगा, तो आप अपना टीम को लेकर आना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मेरा टीम करेगा, तो कभी यह सोचना नहीं जिंदगी में कभी भी, मैं जी, तो टीम भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आप खुद करना, क्योंकि देखो ये जो नॉलेज है ना आपके सामने आ रहा है, एजुकेशन के तौर पे पूरा सीखना है, मैं तो आप मेरे जैसा पूरा बनना है, आपका बात करने का तरीका से लेकर बॉडी लैंग्वेज से लेकर वॉइस टोनेलिटी से लेकर सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। तैयार है? आपने तो बहुत बेहतरीन फीडबैक बताया आपका, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप अपने साथ अपने अपने पूरे टीम को लेकर जरूर आना है। जी जी सर, एक संजीव, संजीव सर है ना, संजीव भंडारी, वो भी है जो अगले 90 डे में था। हाँ? मैं नहीं था सर। अच्छा, अभी आप 90 डेज में जरूर आ जाइए, आप वेलकम है 90 डेज प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेंटरशिप जैसे अभी किताब को लेकर आप इतना मोटिवेट हो चुके हैं, तो एक टीचर जुड़ जाएगा तो और पावरफुल बन जाओगे। जी जी, फंटास्टिक सर, फंटास्टिक। तो अभी कोई और बोलना चाहते हैं 2 मिनट, तो हम वहां पर उनका म्यूट ओपन करना चाहेंगे जल्दी से। कोई भी अपना फीडबैक रिस्पॉन्स शेयर करना चाहते हैं, क्या मिला, कैसे मिला, कौन सा बात आपको बहुत अच्छा लगा? यस, एक वो व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, मालोती महतो, आप अपना म्यूट ओपन करेंगे मैम से? मालोती मैम, बाकी लोगों का म्यूट रख दीजिए, बाकी लोग म्यूट बनाए रखें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मालोती मैम, बोलिए। जी सर, बहुत ही खुशी होती है 90 डेज प्रोग्राम में, और जब हम लोग पूरी में मिले थे तो और उससे भी ज्यादा खुशी हुआ, क्योंकि मेरे मैं तो पहले से बोल चुकी थी कि मैं कैसे आपका कांटेक्ट में आई, और मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश करूंगी फिर, मैंने जनवरी से जो 90 डेज प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा उसमें मैं फिर पार्टिसिपेट करूंगी, फिर मैं मेरे ग्रुप से भी लेके आऊंगी, और मैं एक मैसेज भी दी थी जो एक है अभी यहाँ सुन रही है, मेरा डायरेक्ट में है उषा कोमल महतो, वो भी सुन रही है, आई होप मैं लेके आने के लिए कोशिश करूंगी मेरा टीम से, है ना सर। और मेरे को ज्यादातर मैंने डर लगता था, मैंने किसी से बात करने के लिए, मैं कैसे जाऊं, कैसे क्या करूं, जितना भी नॉलेज रहने से भी मैंने डर लगता था, बट अभी मैं मैंने मेरा मन से डर निकल गया है, और इस महीना में अच्छा मैंने 5-6 हजार का प्रोडक्ट सेलिंग कर चुकी हूँ 10 दिन के अंदर में सर। कोशिश करूंगी सर, मैं बहुत जल्दी मैं भी आगे बढ़ू सर, तो बहुत 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 धन्यवाद सर, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जितना मैंने बोला जो उतना ही कम लगता है सर, और वाकई आप जैसे मैंने गुरु मिले तो श्योर एक दिन सब कोई अपना अपना जो मन में ठान लिए हैं और वो जगह श्योर पहुंचेंगे सर हम लोग। ग्रेट, ग्रेट। okay, और पहुंचेंगे मैम, एक बार रिश्ता बना दिया ना तो हम ये रिश्ता निभाते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैम आपको अपने टीम के साथ अभी इसको लगातार आपको मेंटरशिप के अंदर आपको कंटिन्यूअसली अपने टीम को लेकर आगे आना है और पावरफुल तरीके से और आगे बहुत पावरफुल बनना है। बहुत अच्छी तरीके से आप सक्सेसफुल हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो अभी टीम की हैंड होल्डिंग स्टार्ट करना है हमें अगले महीने से, मतलब अभी तो स्टार्ट कर देंगे, और आपको तो रिपीट करने वाले लोगों के लिए तो हमने ऑफर ऑलरेडी रख दिया है, जो हमारा 4000 का जो मेंटरशिप क्लास होता है उसको हमने तो डायरेक्टली 50% कर दिया आप लोगों के लिए, और जो अर्ली बर्ड है उनके लिए भी हमने 1000 रुपीज डिस्काउंट रखा है, बहुत कम अमाउंट है। कितने लोग मानते हैं कि ये बहुत कम है सर, ये बहुत अमाउंट कम है, मानते हैं इसको आप? और सबसे खास बात, मैंने किसी एक सिंगल पर्सन को भी डिस्टर्ब नहीं किया मेरी लाइफ में, बता रहा हूँ, मतलब जितना मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेंट है, आप कितने लोग एग्री मानते हैं कि मैंने कभी आपका अपलाइन के बारे में किसी भी चीज को लेकर आपको कभी भी मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया है? कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? एक रिश्ता बनता है टीचर और शिष्य के जैसा रिश्ता बन जाता है, तो मैं कभी आपको नहीं पूछता कि आपका अपलाइन कौन है, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अरे सर नहीं सर, कुछ जरूरत ही नहीं ऐसे बातों का, अब जहाँ पे है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, और कोई ना कोई हो आपके साथ कि जो आपको आपका उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाए और हर कदम पर आपको बताए कि करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, निगेटिव लोग कैसा हैंडल करना है, सभी तरीके का टेक्निक आता है,
कितने एग्री मानते हैं, मुझे एग्री देखना है। यस यस यस, एक सिंगल पर्सन को भी मैंने आज तक मेंटरशिप बैच स्टार्ट होने के बाद एक भी नहीं सर, पहले से भी मैंने कभी ये प्रैक्टिस कभी नहीं की है, कभी नहीं करना है, आपको भी नहीं करना है सर आज के बाद। मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूंगा, देखो सर आप एक इंसान को कभी स्नैच करोगे ना तो आपका 10 इंसान स्नैच हो जाएगा, वो कल्चर बन जाता है, मंकी सी मंकी डू, अब जो करेंगे वही तो डुप्लीकेट हो जाएगा मार्केट में। यस सर नो, यस यस यस, एग्री मानते आप लोग, कभी नहीं सर आपसे, कभी कई बार बात होगा लेकिन आप लाइफ टाइम भी बात होगा लेकिन कभी नहीं इस तरीके का हम आपको कभी ना अप्रोच करेंगे ना कभी बोला जाएगा। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा अपनी अपनी टीम को लेकर भी आप पूरा निश्चिंत रहना है, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी निगेटिव बातें करते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये बात, निगेटिव बात होगा आपके सामने भी, आपके आजू बाजू में भी, कुछ लोग डायरेक्टली बोलते भी होंगे अरे वो तो पूना के लीडर है, इनका मेंटरशिप में आप क्यों जा रहे हो, इससे अच्छा हम जो सिखा रहे वही सीखो, होगा नहीं ये सर नो। हो सकता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको वो मेरा दिल से बता रहा हूँ, दिल की गहराई से वो एश्योरेंस दे रहा हूँ। मेरा अंदर का जो तजुर्बा है ना, मेरे अंदर का जो अंदर की एक जुनून होता है ट्रेनिंग का करना, इंडस्ट्री के अंदर लोगों को आगे लेके जाना, वैल्यू एड करना लोगों के जीवन में, इस तजुर्बा के कारण ये मेरा अंदर का खून खौल उठता है सर। और क्या आपने देखा होगा ना, मैं साधारण कोई प्रोग्राम भी लेकर आता हूँ तो आपको कितना कितना पावरफुल तरीके से, एक आधा फ्री प्रोग्राम भी होगा तो भी कितना मजबूत तरीके से भर भर के देता हूँ लोगों को नॉलेज। याद आ रहा है आपको 90 डेज में जो नॉलेज मिला है उसके लिए तो अमाउंट कुछ भी नहीं है सर जी। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आई थिंक अभी ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे आपका, यहाँ पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे और बहुत जल्दी हम इसको इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। अब जो भी लोग है अपना अपना जरूर वीडियो बनाना, छोटा सा वीडियो, अब ये वीडियो होगा पूरा आपका मेंटरशिप बैच को लेकर, जो जो मैंने अभी सिलेबस आपसे गिनवाया था उसमें से कोई बेहतरीन टॉपिक को आपको बात करना है, हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, आप कोई भी टाइम दो तीन टॉपिक बोल सकते हैं सर। टाइम मैनेजमेंट में प्रवीण सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया था, फिर पर्सनल काउंसलिंग हमारी बहुत अच्छे से हुई थी, अब जो भी बोलना है जिससे हो सकता है कि किसी भले इंसान का मदद हो सकता है आपका एक वीडियो देखने के बाद, एक रियल में बता रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है सर, अमाउंट तो कुछ भी नहीं आप भी बोल रहे हो, लेकिन आप उन लोगों तक तो हमें जरूर पहुंचना चाहिए जिनके अंदर वो चाहत है, वो भूख है नॉलेज का, सक्सेसफुल होने का भूख है, तो उन लोगों तक तो हमें सभी को पहुंचना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो आपका बहुत अच्छा मदद कर सकता है उनका, कई बार होता है कि किसी और थर्ड पार्टी बताते तो उसका वैल्यू बनता है सर, एग्री मानते हैं। और जो भी वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ना, उन वीडियो को मैं जरूर मेरा हमारा वेबसाइट के अंदर जगह देंगे जहां पर उनका रिस्पांस और फीडबैक के अंदर रहेगा। पावरफुल वीडियो बनाना है और वॉइस टोनलिटी, बॉडी लैंग्वेज, आपका जो भी टोनलिटी से लेकर बॉडी लैंग्वेज से लेकर हाव भाव से लेकर बॉडी एक्सप्रेशन से लेकर एनर्जी से लेकर वो सब कुछ दिखना चाहिए वीडियो में, तब मुझे पता चलेगा यस ये मेरे मेंटर ही है, जिनको मैंने तीन महीने तक अभी शिक्षा दी थी तो इनका बात करने का तरीका मैं वीडियो में जज कर लेता हूँ। तो जरूर सर इसको नजरअंदाज मत करना, गलतियां कुछ होती है, मैं नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बनाओगे तो कुछ वैल्यू बनता है, मुझे भी पता चलेगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा, बदलाव किया अपने अंदर। तो थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को और थैंक यू शानदार जबरदस्त। कैसा रहा आज का प्रोग्राम आपको बताना है, जाते जाते जल्दी बताना। यस आज का हमने जो भी आपको रिविजन भी बताया, याद भी किया आपको, वेबसाइट और ऐप के अंदर आपको बने रहना है और साथ ही साथ मेंटरशिप बैच को लेकर रिपीटेशन जो करते हैं उनके लिए हमने ऑफर ऑलरेडी लगातार रखा है, हो सकता है कभी भी ऑफर, हो सकता है इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क हूँ और वैल्यू बनाता हूँ इस चीज की। डिसीजन सही समय पर लेते हैं तो सक्सेस मिलता है और यही चीज है सर, डिसीजन प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू सक्सेस। सामने अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर डिसीजन है तो इसी का रास्ता बन जाता है आपका सक्सेस, बट लोग इसको प्रोकास्टिनेट करते हैं। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको एक डेट अनाउंस किया जाता है, तो हमने बोला है आपको कि ये आपका एक ऑफर के जैसा चल रहा है, अगर इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम तक अगर ये बंद हो सकता है तो आपको जल्दी से डिसीजन लेना है, मेंटरशिप बैच को ऑफर के साथ आप रिपीट करना है और अपनी टीम के लोगों के लिए भी मैंने आपको डिस्काउंट रखा गया है, 1 जनवरी के बाद ये 4000 हो जाएगा, लिखिए 4000 चैट बॉक्स में लिखिए लिखिए, ये हो जाएगा सर 1 जनवरी के बाद, 90 दिन का एक मेंटरशिप प्रोग्राम रिश्ता, तो मैं जानना चाहूंगा। यस यस फंटास्टिक, तो याद रखिए इसको, सबकॉन्शियस माइंड में रखिए, हमारा पैसा बच जाएगा इससे। यस जल्दी बताओ, यस फंटास्टिक।
थैंक यू दोस्तों। और इतना ही कहूंगा कि जितने लोग, मान लीजिए कोई रिपीट नहीं भी करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं चाहता हूं कि करे, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहता है तो उनको कहना चाहूंगा, जितना आपने आज सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान बनिए, काम शुरू कर दीजिए अभी। दैट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टेड, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो चुका है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा जो सीखा उसको मार्केट में जाके उतारना है, पावरफुल इंसान बनना है और अपना प्रोग्राम डिजाइन करना है। देखो प्रोग्राम, खुद के प्रोग्राम, खुद के मीटिंग्स, खुद के इवेंट्स, अलग अलग जगह पे जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, आप अलग अलग जाके होम मीटिंग्स, पॉकेट डेवलपमेंट मीटिंग्स। पॉकेट डेवलपमेंट मतलब क्या है, कुछ एरिया डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वहां 5-6-7 लीडर को बिठा कर पॉकेट डेवलपमेंट मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं एक पॉकेट है, ये पॉकेट डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको अभी शुरू करना। कितने लोग रेडी है बताओ, रेडी बताओ, रेडी बताओ, एक्शन प्लान, यस फंटास्टिक, बताइए बताइए, रेडी रेडी रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, रेडी रेडी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और रेडी लिखिए, यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कुछ मैं पूछना चाह रहा था आपको कि कैसा लगा आज का टॉपिक, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में कुछ पढ़ेंगे हम, जल्दी बताओ कैसा लगा ये, जस्ट विद इन वन मिनट अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे सेशन को, यस जल्दी बताओ यार, कितने लोग हैं अभी, कैसा लगा, फंटास्टिक लगा, अच्छा लगा, रिविजन हुआ, बहुत अच्छा हुआ सर, हो सकता था रिविजन नहीं होता तो आपको कुछ याद नहीं आता, अब रिविजन हुआ, आपने भी कुछ लिखा तो आपको ये अच्छा लगा होगा, ये सर नो, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि 90 डेज का पूरा सार मैंने आज का प्रोग्राम में आपको बताया। यस बहुत अच्छा, एक्सेलेंट था, नाइस था, फंटास्टिक था, फंटास्टिक वर्ड तो आपका पूरा अभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। यस चड्डी मंडल जी फंटास्टिक, यस यस यस। अच्छा और जाते जाते मुझे आपसे तसल्ली चाहिए, कितना लोग रिपीट करना चाहेंगे, आर लिखना है सिर्फ अभी, आर बहुत जबरदस्त था, रिपीट करना चाहेंगे अपने अपने टीम के साथ, नॉट सिंगल पर्सन, सिंगल आना ही नहीं आपको, सिंगल आएंगे फिर नॉलेज लेंगे, क्या फायदा, वैसे आप अपने टीम के साथ आना है, तो रिजल्ट के साथ, कुछ हैंड होल्डिंग के साथ, मुझे भी पता होना चाहिए, राजकुमार सर बोलते सर मेरा इतना लोग है तो मुझे भी पता होना चाहिए कि उनकी सक्सेस के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। अब मुझे पता है आपको आगे लेके जाना है, मुझे पता होना है, हाँ कुमारी अर्चना मैम है, या फिर मेरे सामने अभी बिमल कुमार शाह जी है, या फिर मेरे सामने धर्मराज बिंद जी है, रानू मैडम जी है, ये सर नो, इन लोगों का अभी टीम का कितना लोग आ रहा है, तो ये मेरा भी जिम्मेदारी बन जाएगा अगर 90 डेज का। जल्दी जल्दी आर लिखना है, कितने लोग रिपीट 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 रिपीट, जल्दी बताए जल्दी बताए, वेरी गुड। आशीष कुमार सिंह लिखते हैं सर रिपीट करेंगे 10 लोगों को लेकर, यस यस। धर्मराज जी बिंद रिपीट, राजकुमार जी रिपीट करता है, यस यस वेरी गुड, वेलकम वेलकम सर रिपीट। उषा कोमल मनोहरन, आप तो पहली बार आ रही है उषा कोमल मैम, आपको रिपीट नहीं, आप तो ज्वाइन कर रही है, यस। विमल कुमार जी, मैं अभी 3 लोगों से आ रहा हूँ, फंटास्टिक सर, यस। कृष्णानंदन जी, यस कृष्णानंदन जी, फंटास्टिक कृष्णानंदन जी राउत रिपीट कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त है। अभी डिसीजन तुरंत लीजिए अभी, और आपको मैं वहां पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अभी भी आप तुरंत डायरेक्टली, ओ माय गॉड कितना फट जा रहा है ये चैट बॉक्स, व्हाट्सएप में भी शेयर किया जा रहा है और आपको चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा ये लिंक, जो आउट ऑफ कंट्रीज का लोग है उनके लिए ये लिंक है, अकाउंट डिटेल है, जो बाहर की कंट्रीज से लोग जुड़े हुए हैं पर जो इंडिया के, उनको तो गूगल पे फोन पे के माध्यम से या यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आप ये कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए और अपने अपने टीम को कॉपी करके रख दीजिए इसको, ताकि बहुत आसान हो जाएगा। यस फंटास्टिक थैंक यू। कुछ नहीं सर, एड्रेस बिड्रेस नहीं डाले के चले गए, पिन कोड भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी शेयर करना है। ये मेरा कॉपी मैसेज है ऑलरेडी, बट इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में एनरोल करने के लिए, ईमेल आईडी जो कि प्रॉपर उनका एनरोलमेंट के लिए लगता है, थैंक यू कहना चाहेंगे, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने समय निकाला और आज का इस प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल करने के लिए काफी सहयोग दिया, तो आप सभी को रियली मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगा और जल्दी से हम एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में मिलेंगे, थैंक यू कहना चाहेंगे दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।